कि हमारी जिंदगी में जिहाद बिल लिसान है, जिहाद बिल कलम है, लेकिन कुरान में हुक्म जिहाद बिस सैफ का भी है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने शहादत की कभी तमन्ना ना की, मुनाफकत की मौत मरेगा। तो मैं कहता हूं हुकूमत वक्त से कि फौज भेजो, और अगर तुमने नहीं भेजनी तो जवाब वो तो तुमने देना है, लेकिन कम अज कम फिर हमें ही इजाजत दे दो। और कुछ ना कर सके तो फलस्तीनियों के साथ मिलके चंद रोड़े यहूदियों को हम भी मार लेंगे। टैंक ना चला सके तो यहूदियों की चंद गोलियां हमारे सीने भी ठंडी कर देंगे। कल क्यामत के दिन शर्मिंदगी तो नहीं होगी कि उधर लाशें तड़पते रहे और इधर तुम अपने आराम में रहे, अपने सुकून में रहे। और वैसे भी जिहाद सिर्फ फौज पे फर्ज नहीं, जिस तरह हम अपने अपने नमाज के जिम्मेदार हैं, अपने अपने रोजे के जिम्मेदार हैं, इस तरह हम में से हर कोई अपनी तरफ से जिहाद का भी जिम्मेदार है। हाँ, ये अलहदा बात है कि फौज बाकायदा जब तैयार है तो उनका तो काम ही ये है, वो ये करें काम, और उन्हें जरूरत हो हमें खा आगे रखें या साथ रखें या पीछे रखें, लेकिन अल जिहादो माउदिन इला यौमिल क़ियामा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, इसको कोई बादशाह कैंसिल नहीं कर सकता। और अब अमलन जिहाद कैंसिल है, कहां हो रहा है जिहाद? इकदामी पूरी कायनात में एक जगह भी नहीं हो रहा। जो हुक्म था कि काफिर जहां हो उन्हें पहले तबलीग करो, अगर कलमा पढ़े तो ठीक है, वरना हमला करके वो इलाका फतह करो। पूरी दुनिया में एक जगह भी जिहाद इकदामी नहीं है, जहां है वो सिर्फ दिफाई है कि वो आगे ना आए। और अब कई मुस्लिम ममालिक तो दिफाई से भी माजूर हो गए, आराम परस्त, और वो तब जंग लगा तोपों को जब इकदामी जिहाद छोड़ा। तो इतना बड़ा फर्ज तर्क हो रहा है उम्मत का जो हर मुसलमान पे था। हां, शरायत है कि अमीरुल मोमिनीन हो और उसकी तरफ से ऐलान हो, और इस तरह कि अपने अपने जत्थे बना के फिर कोई फसाद ना किया जाए, जैसे कुछ तंजीमों की तरफ से वो एक सूरत हाल भी बनी फसाद की। लेकिन अब कब आएगा वो वक्त, कब आएगा वो साल जो साल साले जिहाद होगा, कब आएगा वो महीना जो माह माहे जिहाद होगा, कब आएगा वो हफ्ता जो हफ्ता हफ्ता है जिहाद होगा? अगर हम 60 साल के, 70 साल के, 80 90 साल के होके मर गए और एक हफ्ता भी जिहाद का ना हुआ, तो रब पूछेगा क्या दुनिया पे कुफर मिट गया था कि तुम्हें कोई जगह ही नहीं नजर आई जिहाद करने की? और अब तो वो हमारी मस्जिद अक्सा में घुसे हुए हैं, अब तो वो मुस्लिम उम्मा के घरों में घुसकर तलाशियां ले रहे हैं। मुसलमानों को आकर लूट रहे हैं, हड़प कर रहे हैं, इज्जतों पे हमला हो रहा है। तो इस बुनियाद पर हाकिम वक्त की जो जिम्मेदारी है उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। क्या तमाशा है कि जिसके हाथ में मीजान है वो मुनाफे गिन रहा है, तोलता कुछ भी नहीं।